हाय गाइस, सो आई थिंक दैट इस वीडियो का वेट तब से किया जा रहा है जब सीवीटी का रिजल्ट निकला था, यानी एनटीए ने जब सीवीटी पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो 2 महीने हो चुके हैं रिजल्ट निकलने का सीवीटी पीजी का, लेकिन फाइनली असम यूनिवर्सिटी ने अपना जो पीजी एडमिशन का जो नोटिस है वो आज जारी किया है। तो उसी को लेके बात करेंगे वीडियो में, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना एंड हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़, एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस, पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, कब से क्लास स्टार्ट होने वाला है, कब से क्या, सब कुछ डिटेल में जानेंगे वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखना अच्छे से, वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार प्लीज़ शेयर करना, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लोगे इस बार, तो हमारा एक न्यू ग्रुप बनाया है हमने हमने तो उस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेना आप नीचे से, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। एंड ये जो 2 साल आपका बीतने वाला है, मतलब जो भी हमारे साथ ये जो 2 साल जाएगा आपका, वो पूरा का पूरा हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तो असम यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैनल फॉर यू, यू शुड सब्सक्राइब इट। मेरा चैनल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस बार एडमिशन लेने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली अप टू डेट रखूंगा हर एक चीज़ को, ठीक है। तो पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ एडमिशन को लेके। तो देखो, ये जो एडमिशन प्रोसेस होगा, इसके लिए पहला आपके पास आपका सीवीटी पीजी का मार्कशीट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने सीवीटी पीजी दिया है तभी जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर सीवीटी एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो सिंपली, ठीक है। आप अब अगर सोच रहे हो कि अभी अब फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम आपने अटेंड किया है, या फिर आपका कोई मार्कशीट नहीं आया है, या फिर आपका बैक सेमेस्टर में कुछ मतलब बैक पेपर था, तो आप कैसे अप्लाई करोगे। तो आपका अगर बैक बैक पेपर है, या फिर आपका अगर फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम आपने दिया है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है, तब भी आप सीवीटी पीजी के रिजल्ट को यूज़ करके आप एप्लीकेशन दे सकते हो। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है, वो है कि आपका जब रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट निकलने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपको जाके आपका फाइनल मार्कशीट जो भी निकलता है, हमारा फाइनल ग्रेड कार्ड, वो जाके अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके आपको सबमिट करके आना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन प्रोसेस को कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। ये मेंशनड है नोटिस में। और एक चीज़ मेंशन है नोटिस में, वो है कि जो भी आपका आसाम यूनिवर्सिटी का जो भी सीट्स है, मतलब टोटल जो 100% सीट है सीवीटी पीजी का, उसमें से आसाम यूनिवर्सिटी ने 50% सीट पीजी का अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बचा के रखा है, ठीक है। मतलब जीसी कॉलेज, कासर कॉलेज, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% सीट पहले से बचा के रखा हुआ है, और बाकी 50% सीट ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ काउंसलिंग वगैरह अलग से नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद मेरिट लिस्ट, उसके बाद एडमिशन क्लास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस रहता है असम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और एक चीज़ फीस लिखा हुआ है इधर पे, जो कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो उनका अगर जनरल कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, तो उनका एप्लीकेशन फीस जाएगा 1000 रुपीज़। एंड बाकी ओबीसी के लिए, जो एनसीएल लेयर है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन दोनों के लिए 900 रुपीज़, एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगा, वो हमारा जो भी असम यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेंट लॉगिन है, उधर पे मैं लिंक दे दूंगा, उधर पे एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और एक चीज़ इधर पे मेंशन है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि मोर देन वन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो हाईएस्ट 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, साथ में साथ और एक डिपार्टमेंट में कर सकता हूँ, लेकिन 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। क्या क्या डिपार्टमेंट अवेलेबल है आपके लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स में, सुन लेना आप अच्छे से, मास्टर ऑफ आर्ट्स में अरबिक बंगाली, उसके बाद अरबिक बंगाली, देन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, मणिपुरी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड उर्दू, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस अगर करना चाहते हो आप, तो उसके लिए अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, आर्थ साइंस, लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में लेटरल एंट्री होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉमर्स करना चाहते हो, देन मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, एंड उसके बाद मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है। कुछ ये जो 4 सेमेस्टर पीजी प्रोग्राम्स है ये भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप एमएड भी कर सकते हो, या फिर आप एमबीए, एचटीएम, जो कि होता है 4 सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद मैं जो भी नोटिफिकेशन मेरे पास है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया सिलचर कैंपस का। डिफू कैंपस का भी कुछ कोर्सेज है, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में आसामीज, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ साइंस में लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स और फिजिक्स, उसके बाद आर्ट्स में जियोग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है। जैसे कि आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ डिफू कैंपस में अवेलेबल है, लेकिन वो सिलचर कैंपस में अवेलेबल नहीं है। मतलब जो आसाम यूनिवर्सिटी है उसका पीजी कैंपस के लिए दो कैंपस है, पहला डिफू कैंपस और एक आसाम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। तो ये दोनों कैंपस में पीजी कोर्सेस होते हैं और दोनों में अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है नीचे कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा, वो पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया, अभी जान लेते हैं डेट्स। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1 अगस्त 2024 एंड क्लोजिंग डेट है 30 अगस्त 2024, यानी एक महीना टाइम है आपके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 सितंबर, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट वो है 6 to 9 सितंबर, एंड उसके बाद कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस क्या है उसके ठीक एक दिन बाद 10 सितंबर 2024 से हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। हमारा क्यों बोला है, क्योंकि मैं भी इस बार एडमिशन लेने वाला हूँ असम यूनिवर्सिटी पीजी कोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो नोट, स्पेशल नोट, अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर सीट बचता है तो एक सेकेंड मेरिट लिस्ट भी पब्लिश किया जाएगा, जो कि 13 सितंबर को किया जाएगा। उसके बाद उसका जो एडमिशन प्रोसेस है, जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस, वो होगा 13 to 16 सितंबर। एंड उसके बाद अगर किसी मतलब डिपार्टमेंट में ऐसा है कि सेकेंड लिस्ट निकलने के बाद भी सीट अवेलेबल है, तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन होगा 23 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्लास जो है वो कमेंसमेंट हो जाएगा, मतलब क्लास स्टार्ट हो जाएगा 10 सितंबर को। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, तो उसके लिए वीडियो को एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो पीजी का जो ग्रुप है उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी रात को बज रहा है 1 बजे, हम लोग बता रहे हैं आपको गुड नाइट। थैंक यू।